हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ओके, सो आज की वीडियो में ना हम लोग एक कंपैरिजन करने वाले हैं मैक स्टूडियो रेडियंस सीरम पावर फाउंडेशन के एंड बिटवीन नार्स का जो फाउंडेशन है, विच इज दिस लाइट परफेक्टिंग फाउंडेशन। एक्चुअली ये आइडिया मुझे आप लोगों के कॉमेंट्स के साथ ही मिला कि मैं इन दोनों का कंपेरिजन वीडियो बनाऊँ, बिकॉज रिसेंटली लॉन्च्ड फाउंडेशन है ये। सो दैट्स वाई जस्ट मैंने शावर लिया है, मेरे बाल बिल्कुल गीले हैं, बाल धोए हैं आज मैंने, एंड लिप्स को हाइड्रेट करूँगी मैं। ये अप्लाई कर रही हूँ मैं बॉबी ब्राउन का लिप जूस ऑयल इन्फ्यूज्ड ग्लॉस, क्रश्ड ऑयल इन्फ्यूज्ड ग्लॉस इन द शेड स्लो जैम। सबसे पहले मैं अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करूंगी एंड आई एम गोना यूज दिस व्हाइट सीड ब्राइटनिंग लोशन। यू कैन सी दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, दिस इज फ्रॉम फेस शॉप। वैसे तो इस टाइम पे मेरी स्किन एक्सेसिवली ड्राई हो रही है। ओके, सो नाउ आई एम गोना अप्लाई दिस primer, and this is the game changer niacinamide primer from the foxtail. You can see this is how it looks like, the texture hai, you can see, and skin ko bahut smooth kar deta hai ye. aaj main apne nails karwane jaungi, ye wale jo maine karwaye the nails, you can see abhi niche aa chuke hain bahut zyada, to sham ki appointment li hai maine nails ke liye, नेल्स करवाने इसी वजह से। मैंने सोचा चलो एक छोटी सी वीडियो बना लेती हूँ, शाम को मुझे आज टाइम नहीं लगेगा। अब हम अप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड पे मैक फाउंडेशन, मैक का स्टूडियो रेडियंस फाउंडेशन, एंड मेरा जो शेड है दैट इज NC40 इज माई एग्जैक्ट मैच, ठीक है, मैक में। और इसमें नार्स लाइट रिफ्लेक्टिंग फाउंडेशन में मैंने शेड लिया था MD 2.3 मूरिया शेड, बट इट्स नॉट माई एग्जैक्ट शेड बिकॉज दिस शेड इज लाइक वेरी येलोइश काइंड ऑफ शेड। इसका अंडरटोन एग्जैक्टली परफेक्ट है मेरी स्किन टोन के साथ। आई थिंक मेरा जो अंडरटोन है स्किन का दैट इज न्यूट्रल अंडरटोन। मेरा ना ज़्यादा येलो है, ना पिंक है, ना पीच में है, ठीक है, बेसिकली येलो ही ज़्यादा होता है इंडियंस का, तो मेरा येलो में नहीं है ज़्यादा। यस, पंप मिल जाता है मैक के जो स्टूडियो रेडियंस फाउंडेशन में, एंड मैं यहाँ पे 1.5 पंप मैंने ज़्यादा नहीं लिया, बस इतना ही लिया है। सो इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, काफ़ी रनी कंसिस्टेंसी है। सो आई एम गोना अप्लाई दिस हाफ फेस के ऊपर। थोड़ा सा आप लोगों को पास में कर लेती हूँ, ठीक है। इसको डैम्प कर लिया मैंने अच्छे से, इसका स्क्वीज आउट कर देती हूँ जितना एक्सेस वाटर है। सो इसकी एक साइड से मैक वाला हम ब्लेंड करेंगे एंड अदर साइड से हम दूसरा ब्लेंड करेंगे नार्स वन। हल्की सी बाहर से भी शायद आपको आवाज आ रही होगी क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रही है हमारे घर के सामने। इसका इन डेप्थ रिव्यू जो है मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो इसकी आपको फुल कवरेज नहीं मिलती है। इट इज़ लाइक अ मीडियम बिल्डेबल कवरेज का फाउंडेशन जिसको आप डेफिनेटली बिल्डअप कर सकते हो, और ये आपकी स्किन को बहुत एक रेडिएंट ग्लो ऐड करता है आपकी स्किन में। सी, सो माई स्किन विदाउट फाउंडेशन एंड विद फाउंडेशन, ठीक है। सी, ये ना फाउंडेशन ऐसे चुटकियों में ब्लेंड हो जाता है, ठीक है, सीरम फाउंडेशन है सो काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। इसमें 80% ये स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स के साथ बना है, एंड या इट्स अ ग्रेट फाउंडेशन। अगर इसकी अकॉर्डिंगली मतलब मैक एक कल्ट फेवरेट ब्रांड है, एक OG ब्रांड है, एंड आई जस्ट लव दिस फाउंडेशन, ये मैं कह सकती हूँ क्लियरली, बिकॉज ये बिल्कुल स्किन लाइक, इट्स लाइक योर सेकेंड स्किन। यू कैन सी
इससे पास में क्या ही दिखाऊं, ठीक है। डेफिनेटली अगर आपकी स्किन के ऊपर बहुत 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 ज्यादा इंटेंस पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स हैं, तो उनको ये कवर नहीं करेगा। मीडियम कवरेज का फाउंडेशन है बट इट लुक्स लाइक योर सेकंड स्किन बट बेटर स्किन, ठीक है। तो इस तरह का फाउंडेशन है, बिल्कुल हैवी केकी, ऐसा कुछ भी फील नहीं होता आपकी स्किन के ऊपर। एंड स्किन को क्लोग्स, जो आपके पोर्स हैं उनको क्लॉग नहीं करता ये। एंड इट्स लाइक अ लाइट वेट सिरमी फाउंडेशन। अच्छा, सिरम फाउंडेशन में बहुत सारा ऑयली फील होता है, बहुत सारे ऐसे सिरम फाउंडेशन है मेरे पास जिनके साथ, जिनको अप्लाई करने के बाद मुझे, बिकॉज आई एम अ ऑयली स्किन पर्सन, तो मुझे काफ़ी हैवी फील होता है सिरम फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद। अभी क्योंकि वेदर इतना ठंडा भी नहीं है, इतना गर्म तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन ठंडे की तरफ ही जा रहा है, सो सर्दी स्टार्ट हो चुकी है, तो इस नॉर्मल से वेदर में भी अभी मेरी स्किन के ऊपर बहुत अच्छे से जा रहा है ये, ठीक है। एंड एक ल्यूमिनोसिटी, एक हल्का सा रेडिएंट ग्लो ये डेफिनेटली ऐड करता है, नेचुरल ग्लो। सो चलो अब हम ना इसको बिल्डअप नहीं करेंगे, इसको मैं एक ही पंप में आप लोगों को मैंने दिखाया जो भी है इसका। एंड यस, डेफिनेटली यहाँ पे जो एक ने मार्क्स है ना, उनको इसने परफेक्टली कवर नहीं किया है, लाइक अच्छे से कवर नहीं किया है, फॉर दैट ऑब्वियस रीजन। अभी हम अप्लाई करेंगे नार्स वाला, एंड इसका भी मैं, इसमें भी पंप आपको मिल जाता है, तो इसका भी मैंने 1.5 काइंड ऑफ पंप लिया है। यू कैन सी कंसिस्टेंसी जो है दोनों की काफी सिमिलर है, ठीक है, रनी सा टेक्स्चर है। एंड इसको भी हम, अच्छा दोनों फाउंडेशन को ना, एक चीज मैं बताऊं कि दोनों को ही आप फिंगर की हेल्प से, ब्रश की हेल्प से, ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से, जैसे आप कंफर्टेबल हो ब्लेंड कर सकते हो। अब मैं ना ये जो क्लीन साइड है मेरे ब्यूटी ब्लेंडर की, एक साइड पे मैंने मैक किया था, दूसरी साइड जो क्लीन साइड है उसके साथ आई एम गोना ब्लेंड दिस साइड। ओके, क्लियरली आप डिफरेंस देख पा रहे हो कि ये वाला जो अंडरटोन है मैक वाले फाउंडेशन का, वो काफी सही अंडरटोन है, बट जहां पे नार्स का अंडरटोन जो है वो काफी येलो एंड डार्क मेरी स्किन को दिखा रहा है, सी, ठीक है। सो कवरेज की अगर बात की जाए, कंपैरेटिव टू मैक थोड़ी सी स्लाइटली बेटर कवरेज है नार्स की, एंड रेडिएंट ग्लो इसमें भी आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसकी, अब नार्स ऐसा नहीं है कि मैटिफाइंग फाउंडेशन है, बट दोनों ही लाइट वेट फील होते हैं। कवरेज के मामले में नार्स के पॉइंट ज्यादा हैं, इसमें ज्यादा कवरेज आपको मिलती है, स्लाइटली बेटर मतलब कवरेज में। तो इसमें आपको 30 ml मिल जाता है, इसमें भी 30 ml ही है। सो ये ऑलमोस्ट कुछ 5000 का आई गेस, या ये 4000 का था मैक, एंड ये कुछ चार से पांच हजार से ऊपर का ही फाउंडेशन है ये मतलब ऐसे जल्दी जल्दी से ब्लेंड हो जाते हैं। एंड कवरेज ये नहीं बोलूंगी कि बहुत अच्छी कवरेज है नार्स की भी, डेफिनेटली आपको बिल्डअप करना पड़ेगा अगर आपकी स्किन के ऊपर थोड़े से एक्ने मार्क्स वगैरह हैं जैसे मेरी स्किन के ऊपर है, तो दो कोट्स तो आप आराम से लगा ही लोगे, बट डेफिनेटली रेडिएंट ग्लो, एक नेचुरल ग्लो एड ऑन करते हैं अगर आप डेली बेसिस के ऊपर फाउंडेशन यूज करना चाहते हो। यू नो आजकल स्किन टेंट्स लोग बहुत ज्यादा यूज करें, तो ये भी स्किन टेंट के जैसे ही है, स्लाइटली बेटर देन स्किन टेंट्स। स्किन टेंट में बहुत सारे स्किन टेंट्स हैं जिनमें अंडरटोन्स नहीं अच्छे आ रहे हैं और कवरेज अच्छी नहीं है। अगर आप यू नो हाई एंड में जाना चाहते हो, और अभी नायका के ऊपर सेल भी आ रही है, यू नो पिंक फ्राइडे सेल, या इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आप मैक वाला परचेज कर सकते हो नायका से क्लियरली। एंड नार्स आपको मिलेगा नाव पे, सिफोरा की ऐप पे, ठीक है। तो दोनों ही काफी अच्छे से काम करते हैं, मतलब काफी लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन है, बिकॉज ये देखो मैट फाउंडेशन ना थोड़े टाइम बाद 8-10 घंटे में, नहीं नहीं 4-5 घंटों के बाद ही ना आपकी स्किन के ऊपर हैवी फील होना शुरू हो जाते हैं। बट ये क्योंकि सिरम बेस्ड फाउंडेशन है, लाइट वेट फाउंडेशन है, तो उतने हैवी नहीं लगते हैं, चाहे आप 4-5-6 घंटे आराम से आप निकाल के इनके साथ कर सकते हो टचअप। अगर आपकी ऑयली स्किन है, हल्का सा पाउडर के साथ टचअप करो, यू आर गुड टू गो। अगर आपकी ड्राई स्किन है, मेच्योर स्किन के लिए ये फाउंडेशन बहुत बेहतरीन है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको टचअप की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। सेटिंग स्प्रे यूज करना इन दोनों के साथ कंपलसरी है, बिकॉज अगर आप इनको सेटिंग स्प्रे के साथ सेट नहीं करोगे, पाउडर के साथ सेट करो या ना करो वो मैटर नहीं करता, लेकिन सेटिंग स्प्रे करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि फिर ये ट्रांसफर प्रूफ हो जाएंगे। दोनों ही ट्रांसफर रेजिस्टेंट फाउंडेशन है, बिल्कुल स्किन के ऊपर फील नहीं होते, इनको सेट करना जरूरी है मेकअप सेटिंग स्प्रे के साथ। मैं अगर आपको रिकमेंड करूं एक सेटिंग स्प्रे, जो अगर आप लोग पूछो मेरे से कि ऐसा सेटिंग स्प्रे बताओ जिसके साथ
मतलब आपका मेकअप टस से मस्त ना हो तो आप ना सिर्फ ये वाला परचेज करो। इसका मेरे पास फुल साइज भी है, ये मुझे मैक के साथ जो इनका ट्रेवल साइज है कॉम्प्लीमेंट्री मिला। दिस इज मैक फिक्स प्लस स्टे ओवर, इनका जो रिसेंटली ये लॉन्च किया था ना इन्होंने स्टे ओवर, दिस इज दी बेस्ट सेटिंग स्प्रे इन दिस इन मार्केट। यू नो अफोर्डेबल नहीं है डेफिनेटली, बट यू नो सेटिंग स्प्रे आपके पूरी मेहनत को होल्ड करके रखता है। सो डेफिनेटली आप थोड़ा इन्वेस्ट कर लो इसमें, आपको रिग्रेट बिल्कुल भी नहीं होगा। नार्स वाला ना मेरी स्किन के ऊपर थोड़ा सा ऑक्सीडाइज भी होता है, आई डोंट नो व्हाई, मतलब थोड़ा सा शायद डार्क शेड होने की वजह से, मतलब क्लियरली देख सकते हो डिफरेंस। ठीक है, तो अभी ना मैं क्योंकि मुझे मेकअप कंप्लीट करना है, बिल्डअप करोगे तो डेफिनेटली थोड़ी सी कवरेज आपकी हो जाएगी, लेकिन मीडियम तक ही कवरेज आपकी रहती है, ये फुली कवर नहीं करता आपके फेस को। एंड कलर करेक्शन करना बहुत जरूरी है इफ यू हैव वेरी पिगमेंटेड स्किन एंड आपको कंसीलर्स वगैरह लगा फुल ग्लैम मेकअप करने वाले हो इन दोनों फाउंडेशन के साथ, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा कंसीलर थोड़ा सा मतलब कवर करना पड़ेगा उनके साथ, लेकिन ये आपके स्किन को एक इवन टोन्ड लुक देते हैं ये फाउंडेशन। ठीक, अगर आप दो अगर मुझसे पूछो कि दोनों में से कौन सा खरीदना चाहिए तो मैं बोलूंगी मैक। मैक मुझे ज्यादा पसंद आया नार्स के कंपेरेटिवली, अच्छा है नार्स में कोई कमी नहीं है, बट ये थोड़ा ज्यादा चीप है, मतलब 1000 रुपीज एग्जैक्टली मुझे इसका प्राइस पॉइंट याद नहीं है नार्स का, आई थिंक 4000 से ऊपर का ही था। सो प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंगली ये भी बहुत महंगा है, 4000 का फाउंडेशन मतलब हेल एक्सपेंसिव, बट इसे सस्ता है, दैट्स वाई। सो या गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप आप लोगों के लिए छोटा सा मिनी सा कंपैरिजन वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन करके अपना फीडबैक जरूर शेयर करना। अभी मैं फुल फेस ऑफ मेकअप करूँ ताकि मैं फटाफट से यू नो अपना हॉल वीडियो शूट कर पाऊँ। सो बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।